तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, महाभाग, नैमित्तिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में से एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी में से वेद वेदांगों के परागमी ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उसने भगवान नारायण से कहा, महामते, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता नहीं लगा। तब महात्मा ब्रह्मा जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था। उस बालक को रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्मा जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके ये कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने उसका रुद्र नाम रख दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। ये कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में विलीन हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर भूनाथ प्रजापति ब्रह्मा ने फिर उसके दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयं भोग मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवर, वसुधा की सृष्टि करने पर उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और कुछ सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, लो महर्षण जी, आपने ये सब वितरण मुझसे पहले संक्षेप में कहा है। महामते, अब आप विस्तार के साथ आदि सर का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछला कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण के उद्रेक से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्यमय देखा। वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारण भूत उस ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराण वक्ता विद्वान ये श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार या जल से ही उनका प्रथम आयान यानी शयन स्थान है, इसलिए वो भगवान नारायण कहे जाते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्वत सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्मा जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेक्षा, तामस्री, क्रोध और अंध तामस्र अभिनिवेश नामक पंच पूर्वा पांच प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के वक्ष से गुल, लता, विरुद्ध, तीन रूप पांच प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित, अविद्या से अवृत एवं ज्ञान शून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझे, क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन ब्रह्मा जी से तियर्क स्रोत नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उसकी तियर्क संज्ञा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग त्रियोगिनी कहा जाता है। वे विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं त्रियोगिनी कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस त्रिक श्रोता सर्ग को पुरुषार्थ का आद साधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उनसे तृतीय उद्धव श्रोता नामक सर्ग हुआ। ये सत्व गुण से युक्त था, यही देव स्वर्ग है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अवक्षोता नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। उसी के अंतर्गत मनुष्य है, जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं। इसमें प्रकाश, सत्व गुण और रज इन दो गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है, इसलिए वो अधिकतर दुखी और अत्याधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महातत्व को पहला सर्ग कहा गया है,
दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिया संबंधी कहलाता है, चौथा मुख्य सर्ग है, स्थावर वृक्ष तृण लता आदि ही मुख्य कहे गए हैं। त्रियक्षोता नामक जो पांचवा सर्ग कहा गया है वह त्रिक योगिनी कहलाता है। इसके बाद छठा उदर श्रोताओं का सर्ग है, उसे देव स्वर्ग कहा जाता है। फिर सातवां अवर्त श्रोताओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहा जाता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है जिसे सात्विक कहा गया है। नौवां रुद्र सर्ग है। यही नौ सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहले के तीन प्राकृतिक सर्ग कहे गए हैं, उसके बाद वाले पांच विकृत सर्ग कहे गए हैं और नौवां जो कौमर सर्ग है वो प्राकृतिक और विकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्रकृतिक और विकृत सर्ग है उनका मैंने वर्णन किया है। सबके आत्म स्वरूप से जानने योग अव्यक्तित्व स्वरूप परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से उन विकारों की सृष्टि करते हैं।